नमः शिवाय। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वृषभ राशि वालों के संपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण फलादेश के बारे में, कि आपके जीवन में कब आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके जीवन में आपके साथ कब और क्या-क्या घटना घटने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यह वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। मित्रों, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। ये लोग बेईमानी कभी नहीं करते हैं। अगर आप इन पर विश्वास करते हैं, इन पर विश्वास करके अगर आप इन्हें कोई कीमती सामान या कोई ज़रूरी काम देते हैं, तो ये लोग अपने ईमानदारी से, अपने निष्ठा से आपको खुश करेंगे। आपको शिकायत का मौका ये कभी नहीं देते हैं। वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अगर इन्हें कोई भी काम दे दिया जाए और अगर इन्होंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो काम कैसे भी हो, तो उस काम को करने के बाद ही वो राहत की सांस लेते हैं। वृषभ राशि के जातक एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। अगर इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मुझे ये करना है, चाहे ये करने के बदले में मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, तो अपने प्रतिज्ञा को ये पूरा करते हैं। इस राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, लेकिन शांत होने का मतलब ये नहीं कि ये डरपोक होते हैं। ये शांत होने के साथ साथ वीर होते हैं, यानी कि अगर इस राशि के लोगों को कोई डराने का प्रयास करता है, कोई धमकाने का प्रयास करता है, तो किसी के डराने से, किसी के धमकाने से ये डरते नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा इस राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई और उस गलती के लिए अगर आप इनसे माफ़ी मांगते हो, तो ये आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वृषभ राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं। और दयालु के साथ साथ इस राशि के जातक भोगी भी होते हैं। तो ये था वृषभ राशि के लोगों का व्यक्तित्व। इसके बाद बात करते हैं कि वृष राशि के लोगों को अपने जीवन काल में वो कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिस काम को करने में आपका समय आपका साथ देगा, जिस काम को करने से आपका भाग्योदय होगा। सबसे पहला काम है बैंक से जुड़ा हुआ काम। आप में से जो भी जातक बैंक से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उन लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा काम है हीरा मोती जवाहरात। अगर आप इनसे संबंधित काम करते हैं, यानी कि अगर आप गहना जेवर का काम करते हैं, तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिलेगा। तीसरा काम है सुगंधित वस्तु। चौथा काम है खेती। पांचवा काम है संगीत। छठा काम है पशु व्यापार। सातवां काम है चित्रकारी। आठवां काम है रंग रोगन। नौवां काम है भवन निर्माण। और दसवां काम है अभिनय, यानी कि एक्टिंग। तो इसके बाद बात करते हैं कि आपके पूरे जीवन काल में आपका सबसे ज़्यादा खराब समय, यानी कि सबसे ज़्यादा खराब साल कौन सा होगा। सबसे पहले जब आपकी आयु, यानी कि आपकी उम्र 5 वर्ष की होगी, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। दूसरी बार जब आपकी आयु 37 यानी कि 37 की होगी।
तीसरी बार जब आपकी आयु 39 यानी कि 39 की होगी, और चौथा और आखिरी जब आपकी आयु 47 यानी कि 47 का होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपके पूरे जीवन काल में आपका भाग्योदय का वर्ष कौन सा है। सबसे पहले जब आपकी आयु 24 वर्ष यानी कि 24 की होगी, तब पहली बार आपका भाग्योदय हुआ होगा। दूसरी बार जब आपकी आयु 25 वर्ष की होगी। तीसरी बार जब आपकी आयु 27 वर्ष की होगी। चौथी बार जब आपकी आयु 28 वर्ष की होगी। पांचवी बार जब आपकी आयु 36 वर्ष की होगी। और सातवीं दफे जब आपकी आयु 42 वर्ष का होगा। अगला जब आपका उम्र 51 साल का होगा, और आखिरी जब आपकी आयु 60 वर्ष की होगी। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जीवन में भाग्योदय का वर्ष 3, 3, 6 और 2, 8, यानी कि आपको अपने जीवन काल में कुल मिला के 8 बार भाग्योदय का मौका मिलेगा। यानी कि अपने जीवन काल में आपका भाग्योदय 8 बार होगा। मित्रों, आपके पूरे जीवन काल में जो आपका भाग्यशाली रंग है वो है सफेद। जितना ज्यादा हो सके आप इस रंग का प्रयोग करें। तो यही था वृषभ राशि वालों के जीवन का करवा सच। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।